वोल्वो नाम की कंपनी ने अपने ट्रक को रिमोट कंट्रोल बनाया और इस रिमोट को सोफी नाम की बच्ची के हाथ में दे दिया। इस बच्ची की उम्र थी बस 4 साल, इसलिए इस बच्ची ने इस ट्रक को एक टॉय की तरह चलाया। यहाँ तक इसने इस ट्रक को उल्टा भी दिया और जैसे ही ये ट्रक सीधा हुआ, इस बच्ची ने इस ट्रक को एक घर में दे मारा। लेकिन आखिर इस बच्ची ने ऐसा किया ही क्यों? असल में वोल्वो कंपनी ने जब इस ट्रक को लॉन्च किया तो इनका कहना था कि अब तक इनका बनाया गया सबसे मजबूत ट्रक है, इसलिए उन्होंने ये सारा सेटअप लगाया और बच्ची के हाथ में रिमोट इसलिए दे दिया कि कोई ये ना कह सके कि वोल्वो ने अपने हिसाब से ट्रक चलाया है। इस बच्ची ने भी खिलौने की तरह इस ट्रक को चलाकर इसकी मजबूती को साबित कर दिया।